हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जल्दी से कमेंट पढ़ लेता हूँ सभी लोगों के, और जो क्वेश्चन है आपके। और तो यहाँ पर हेल्दी वेल्दी लाइफ स्टाइल डॉट एक्सेप्ट नहीं हो तो कैसे होगा? सिंगल नेम का अटलांटिस सेक्शन। तो सर, डॉट एक्सेप्ट नहीं हो रहा है तो आप अपने घर में किसी और के नाम आप ये कर सकते हैं, ठीक है? अगर डॉट एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, फिलहाल आप ट्राई कर सकते हैं किसी और डैश वहाँ पर लगा के देखिए हो रहा है कि नहीं, या कॉमा आदि का यूज कर दीजिए, ठीक है? देखिए, अगर नहीं होता है तो फिर आप ऐसा कीजिए, आप दूसरा आधार कार्ड बनवाइए और उसमें डबल नाम करवाइए, ठीक है? बाकी तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पर जो डिजाइन है उसी तरह का एक्सेप्ट कर रहा है। अगर कोई दूसरा डिजाइन होता है, आता है, तो फिर उसके बारे में मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। इसके बाद में पीएल राव, सर मेरा गूगल ऑथेंटिकेशन 2FA की लॉस्ट हो गया है, कैसे रिकवरी होगा? तो सर, जैसे टीम फ्री होती है तो आपका फिर रिकवर हो सकता है। अभी तो कुछ नहीं हो सकता क्योंकि अभी सभी लोग प्रोजेक्ट में बिजी हैं। ओके, अटलांटिस सेक्शन। समीर खान जी कह रहे हैं CRU बाई करने की वीडियो है क्या ब्रो? सर BR बिल्कुल है, मैंने बना दी है और कई बार बनाई है, आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर ही आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी आपको, पूरी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। उसमें बहुत सारे वीडियोस आपको भिन्न भिन्न तरह के मिल जाएंगे। इसके बाद में अगला है शिशिर कुमार प्रधान कुमार, कह रहे हैं थैंक यू सर, ओके वेलकम वेलकम। समीर खान जी कह रहे हैं इसका पर शेयर कितने से लिस्टेड होगा जो इवो सेंट अभी चल रहा है? तो सर, इसकी कोई गारंटी नहीं कितने से लिस्ट होगा। अगर परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो अच्छा लिस्ट हो सकता है, अभी पहले वाले ही लिस्ट नहीं हुए हैं तो हो सकता है ये लिस्ट हो। तो जितनी अच्छी कम्युनिटी होती है तो उतना ही अच्छा वहाँ पर लिस्टिंग प्राइस होता है, ठीक है? अगर कम्युनिटी स्ट्रांग नहीं होती है तो फिर लिस्टिंग प्राइस है वो काफ़ी हद तक ज़्यादा नहीं हो पाता है, ठीक है? जब यूज केस अगर ज़्यादा होगा तो भी उसका प्राइस वहाँ पर ज़्यादा लिस्ट हो सकता है, ये हमेशा ध्यान रखें। तो विकास बारिक जी कह रहे हैं आज तक ऐसी कोइन मेरा गायब है क्यों? सर, ऐसी कोइन लोगों का आ रहा है जिन लोगों का गायब था, तो आपका भी आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। KYC अभी करना है क्या? कोई ज़रूरी नहीं है जयंत कुल, सर कोई ज़रूरी नहीं है कि अभी करना है, अभी कोई ऐसा वहाँ पर दिया नहीं है कि नहीं नहीं करना ही है, आपकी मर्जी है, कर लीजिए, कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। अभी सभी लोगों के KYC अप्रूव हो रहा, तो धीरे धीरे आपका भी अप्रूव हो जाएगा। जो लोग अभी कर रहे हैं जिनका कैंसिल हो गया है, वो दोबारा से रिसबमिट कर सकते हैं। हेल्दी वेल्दी लाइफ स्टाइल, सर मैं जब भी KYC करता हूँ सबमिट करने के बाद ब्लैंक हो जाता है सर, सिंगल नेम है सर, प्लीज़ बताएं सर। अभी आप क्या मैं बता सकता हूँ सर, अभी तो मैंने बताया है, आप किसी और सिंबल का यूज करें या फिर उसे खाली छोड़ कर देखिए क्या होता है, या फिर अपने घर में किसी और के नाम ऐसे अकाउंट बनाइए, ठीक है? सुजीत पिल्ले जी कहते हैं ऐसी विड्रॉल हो रहा है कि नहीं? सर जब विड्रॉल होगा तो मैं भी करूँगा, फिलहाल आप चेक कर दे रहिए, मुझे भी बता देना, और जब होने लगेगा तब मैं आपको भी बता दूँगा। सभी को विड्रॉल का ही इंतज़ार है, तो इसलिए अभी रेफर कीजिए ताकि जितना ज़्यादा आपका पोर्टफोलियो होगा उतना ही ज़्यादा आपके पास फंड होगा। अब्दुल मलिक जी कह रहे हैं अगर अटलांटिस एक्सचेंज ऐप लॉन्च हुआ तो बाद में हॉटबिट से ऐसी कोइन ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है क्या? प्लीज़ रिप्लाई। सर देखिए, फ्यूचर की बात है ये, अगर वहाँ पर हॉटबिट एक्सचेंज पर कम रेट में मिल रहा है और अटलांटिस पर ज़्यादा में मिलेगा, ठीक है, तो लोग हॉटबिट एक्सचेंज से ही खरीदेंगे, वहाँ नहीं खरीदेंगे। और वहाँ पर अगर डिपॉजिट हो जाएगा तो हॉटबिट एक्सचेंज से खरीद के अटलांटिस एक्सचेंज पर डिपॉजिट करेंगे तो उनका फंड बढ़ेगा, यानी उनको फ़ायदा प्रॉफिट होगा। तो इसलिए हो सकता है कि अटलांटिस एक्सचेंज पर डिपॉजिट करने का ऑप्शन बंद हो जाए ऐसी कॉइन का, क्योंकि वहाँ से फिर आप डिपॉजिट विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, केवल वहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी मौका है कि ऐसी कॉइन वहाँ डिपॉजिट कर सकते हैं, हो सकता है जो आपको मिला हुआ है गिफ्ट में उसमें ट्रेडिंग ना कर पाए, तो अभी यहाँ से मौका है कि आप यहाँ से बाई करके वहाँ डिपॉजिट कर लें ताकि आपको ट्रेडिंग करने का भी मौका मिल सके। मैंने ऐसी कॉइन ट्रांसफ़र किया लेकिन आया नहीं। अश्वनी कुमार, सर मैंने ट्रांसफ़र कर दिया था तो विद इन 1 सेकेंड में आ गया था, आप पता नहीं कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। ट्रांसफ़र करने के बाद में जब अटलांटिस एक्सचेंज पर जाए ना, तो वहाँ पर एक ऑप्शन है
कौन सा दिखा देता हूँ अभी, बाद में भूल जाऊँगा। ये देखिए, जब भी आप यहाँ पर डिपॉजिट करें, जब डिपॉजिट हो जाए आपका, वहाँ से कन्फर्म हो जाए कि डिपॉजिट हो गया, जब आप हॉट वेटिक्शन पर आप कन्फर्म हो जाए डिपॉजिट हो गया, विड्रो वहाँ से हो गया, तब आपको यहाँ पर आकर ये डिपॉजिट हिस्ट्री है, ये ग्रीन बटन में जो लिखा हुआ है कन्फर्म डिपॉजिट, तो यहाँ पर एक बार ज़रूर क्लिक कर दें। जैसे ही क्लिक करेंगे वो विद इन 1 सेकेंड में यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक। और इसके बाद में ये डिपॉजिट हिस्ट्री है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, वो वहाँ पर शो होगा। ओके, तो समझ में आ गया होगा मिस्टर अश्वनी कुमार जी। इसके बाद में अगला ने कमेंट है सेवा सिंह, कह रहे हैं वेरी नाइस, थैंक यू। फ्याजल केएल सर कह रहे हैं मेरा केवाईसी वेटिंग में है, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। कोई बात नहीं सर, अभी के सभी मतलब अभी सभी लोगों के केवाईसी, बहुत से लोगों के पेंडिंग में है, सो आप टेंशन ना लें, आपका भी केवाईसी हो जाएगा। लोगों के जिन लोगों के वाईसी सही तरीके से हैं उनके केवाईसी जल्दी हो जा रहे हैं, और टीम इसी पर अब केवाईसी पर ही वर्क कर रही है, ठीक है। तो जैसे ही आपका डाटा अगर अच्छा होगा, सही से भरा होगा आपने, तो आपका जल्दी हो जाएगा। ओके, तो फिलहाल कोई अपडेट नेक्स्ट आती है तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।